हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी सोच रहे होंगे कि अंतिम दिन ऐसी क्या रणनीति लेके आए हैं जो आप सभी बैठे हुए हैं। तो आज ये हमारी कोई क्लास नहीं है, ना मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने आया हूँ, ना कृष्णा सर आपको साइंस पढ़ाने आए हैं, ना सोनाली मैम आपको हिंदी पढ़ाने आए हैं, ना ही सचिन सर आपको मैथ पढ़ाने आए हैं। आज ये वीडियो रहने वाली है सबसे अलग रहेगी, हटके रहेगी। और आप लोगों को, मतलब जितने भी आपके दिमाग में अभी सवाल चल रहे हैं ना, जैसे कि सर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट, तो जितने भी आप लोगों के दिमाग में सवाल चल रहे हैं ना, हम उन सारी चीज़ों पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। फोबिया इनके माइंड में चल रहा है, बिल्कुल निकालना, और जो फोबिया इनके माइंड में है उसको निकालना मेन टारगेट है इस वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे भाई, जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंतिम देख के जाइए, और कैसी लगी आपको ये वीडियो एक कमेंट करके अवश्य जाइए, ठीक है। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ अपनी बातों से, फिर सोनाली मैम आपसे बात करेंगे, कृष्णा सर, सचिन सर, सभी हम आपसे वन बाय वन बात करने वाले हैं। चलिए तो मैं शुरुआत करता हूं। मेरे भाई, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या सवाल चल रहे होंगे? आपके दिमाग में नंबर वन सवाल चल रहा है, आप सोच रहे होंगे सर पेपर कैसा आएगा, डिफिकल्ट आएगा या आसान आएगा। तो सबसे नंबर वन पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जब भी किसी भी एग्जाम में सर पैटर्न चेंज होता है, तो उसमें यह देखा जाता है कि पेपर आसान आएगा, जैसे कि आपने एसएससी सीजीएल में देखा। तो एसएससी जीडी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, इनको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपका जो एग्जाम है वो आसान आएगा। अगर एग्जाम डिफिकल्ट भी आता है तो वो सबके लिए आएगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको लग रहा है बहुत डिफिकल्ट मैथ पूछ लिया तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, डरना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो कोई भी स्टूडेंट उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, नंबर वन पॉइंट। तो आपको मेरे भाई दूसरा बात ये ध्यान रखनी है कि आप जब पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पहले तो सबसे पहले एक काम करना है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो एग्जाम सेंटर पर सर उसी दिन जाते हैं और वो लेट हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपको करना क्या है भाई, अगर आपका नज़दीक भी सेंटर है ना, फिर भी कम से कम एक दिन पहले, अगर दूर है तो एक दिन पहले, अगर नज़दीक है कम से कम 3 से 4 घंटा पहले आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाइए, और बिल्कुल भी पढ़ने की कोशिश ना करें। अगर आपका 2 दिन बाद एग्जाम है तो पढ़ना बंद कर दो सर, रिवीजन करना है बस, मॉक टेस्ट लगाने हैं ज्यादा से ज्यादा, अपना मॉक टेस्ट देना है, अब पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं है। नंबर वन पॉइंट, ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, एग्जाम सेंटर पर टाइम से पहुंचना है। और दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग है, 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं मेरे भाई। तो आपको करना क्या है, आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है सर, क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट आपने कर लिया ना, पेपर आसान रहेगा, ये बात आपसे बोल रहा हूँ। और एग्जाम सेंटर से आने के बाद आप फिर खुद बोलेंगे कि सर पेपर बहुत आसान आया। तो बेस्ट विशेज है भाई मेरी तरफ से, बहुत अच्छे से आपने तैयारी की है और हमने दिन रात तैयारी आपको कराई है, और आपने जो तैयारी की है वो सबसे बेस्ट है, डरना बिल्कुल नहीं है, और अच्छे से अपना एग्जाम देने जाना है, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद, अच्छे से आपको देना है। अब अपनी बातों को आगे कृष्ण सर कंटिन्यू करेंगे, जाना किसी को कहीं नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखना, कमेंट करके अवश्य बताना है। लीजिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए स्टूडेंट, जिनका कल एग्जाम है ना, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट वो 1 आवर है, यानी 60 मिनट है, और वो 60 मिनट को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना है। सबसे पहले तो जैसा कि सर ने कहा कि आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पर समय से पहले पहुंचना है। तो दोस्तों, एक मेन पॉइंट इसमें मैं और ऐड करूंगा कि भाई, जो 1 घंटे का खेल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड का है, तो आपको माइंड बिल्कुल रिलैक्स रखना है। एक रात पहले नो मोर स्टडी, नो मोर रिविज़न, रिविज़न कर सकते हैं आप थोड़ा सुबह में, तो बिल्कुल माइंड को फ्रेश रखना है दोस्तों, और इसी माइंड का खेल आपको दिखाना है एग्जाम हॉल में। और जहां एग्जाम हॉल में मेंटल प्रेशर होता है, वहां पर मेंटल प्रेशर का एम भी नहीं आना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल रिलैक्स होकर। कॉन्फिडेंस बिल्डअप आपका बहुत हाई लेवल पर है दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे साथ जुड़कर तैयारी की है, वाकई काबिले तारीफ है, और यह आपको वाकई दोस्तों कहीं ना कहीं यह आपको बहुत उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं डरना है, सबसे पहली बात, मेंटल प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, और इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि माइंड को रिलैक्स देना है कि भाई तेरा काम कल है और 1 घंटे बहुत अच्छे से वर्क करना है, तो वो करेगा, बिल्कुल करेगा, राइट। चलिए, तो अब मैं सचिन सर से कुछ कहूंगा कि वो शब्द आपको कुछ शब्द बताएं और स्ट्रेटजी बताएं। और एक इंपॉर्टेंट चीज और दोस्तों, अगर मेरा कल एग्जाम होता ना, तो सबसे पहले मैं हिंदी वाले सेक्शन को उठाता,
8 से 10 मिनट में हिंदी वाला सेक्शन में ख़त्म कर लेता, उसके बाद दोस्तों मैं जीएस वाले पार्ट पे जाता और 7 से 8 मिनट में उसको भी ख़त्म कर लेता, मतलब दोनों को 15-16 मिनट में ख़त्म कर लेता। फिर मेरे पास बचती दोस्तों 45 मिनट, 45 मिनट्स का यूटिलाइजेशन में रीजनिंग और मैथ। और एक इंपॉर्टेंट बात और, रीजनिंग का अगर एक क्वेश्चन आपसे एक बार में ना हो दोस्तों तो उसके पीछे मत पड़िएगा, उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन 7 सेकंड में भी होता है और 7 मिनट में भी नहीं होता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी आपको सचिन सर बताएंगे कि मैथ को किस तरीके से बीट करना है, राइट। लीजिए सर। थैंक यू सर। जैसा कि संजय सर ने और कृष्णा सर ने आपको बहुत सारे टिप्स दिए एग्जाम के पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, तो अब मेनली मैं आपसे बात करना चाहूँगा इसी विषय में दोस्तों कि आपका कल से एग्जाम है। जब दोस्तों आपका एग्जाम हो, जिन बच्चों का कल से एग्जाम है वो क्या करेंगे, वो आज रात से पढ़ाई को छोड़ देंगे। यानी कि माना तो ये जाता है दोस्तों, जहाँ तक हमने ऑब्जर्वेशन किया है, कि 24 घंटे पहले आपको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए और नए टॉपिक को तो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। जो आपने पुराने टॉपिक अपने बहुत अच्छे से कवर कर रखे हैं उनको अच्छे से रिवाइज करने की जरूरत होती है, और अगर वो आपने रिवीजन अच्छे से कर लिए तो डेफिनेटली आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर पाओगे। तो प्यारे दोस्तों अब क्या करना है, अगर जिन बच्चों का कल से पेपर है जैसे, तो आज 24 घंटे पहले आप पढ़ाई को छोड़ दीजिए और पूरी रात भरपूर नींद लीजिए। और सर ने भी बताया कि एग्जाम सेंटर पर आपको सबसे पहले पहुंचना है। जी बिल्कुल, एग्जाम सेंटर पर आप पहले पहुंचिए और वहां जाकर एग्जाम सेंटर के बाहर आपको किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करनी है और अपने आप की तैयारी को स्ट्रांग मानना है। अपने आप को यह मानना है कि दूसरों से मेरी तैयारी का लेवल बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने समय दिया है हर एक सब्जेक्ट को, तो आपका हर एक सब्जेक्ट स्ट्रांग है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप एंट्री करेंगे अपने एग्जाम हॉल में। अब दोस्तों अगर मैं बात करें कि पेपर को आखिर कैसे अटेम्प्ट करना है, पहली बात तो आप अपने माइंड को एकदम फ्री रखिए, फ्रीली रखेंगे दोस्तों, और अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों जीएस वाले पोर्शन की या साइंस वाले पोर्शन की, जो भी आपका जीएस वाला पोर्शन होता है और हिंदी वाले पोर्शन की, तो यहां आप समय बचाने की कोशिश करिए। अब बात आती है जब यहां समय आप बचा लोगे तो उस समय का यूटिलाइज कहां कर पाओगे आप, मैथ और रीजनिंग जैसे कैलकुलेटिव सब्जेक्टों में आप उसको यूटिलाइज कर पाओगे। तो जैसे अब कोई मैथ का क्वेश्चन आया तो मैथ के पेपर को आपको 3 राउंड में सॉल्व करना है। कितने राउंड में? 3 राउंड में। पहला राउंड वो होगा दोस्तों जिसमें बिल्कुल कम कैलकुलेशन होगी, बहुत कम कैलकुलेशन होगी, आप उसे माइंड में सॉल्व करके आप अपने क्वेश्चन का जवाब कर सकते हो। अगर दोस्तों आप दूसरे राउंड की तरफ मूव करेंगे, जब पहला राउंड हो गया ये, बिल्कुल पहला राउंड वन टच होना चाहिए। वन टच का मतलब ये हुआ जिसमें हम बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करेंगे। अब सेकंड राउंड आप अटेम्प्ट करेंगे, सेकंड राउंड में क्या करेंगे, जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव, जो थोड़े थोड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं उनको आप अटेम्प्ट करेंगे। और थर्ड राउंड वो होगा दोस्तों जो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में छूटे हुए क्वेश्चन होंगे उन्हें आप थर्ड राउंड में कवर करेंगे, और थर्ड राउंड के बाद अपने पेपर को आप फिनिश कर लेंगे अच्छे तरीके से। और प्यारे तरीके से आप अपने सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करिए, 100% डेफिनेटली आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो प्यारे दोस्तों इसी तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल माइंड को फ्री रखना है, नर्वसनेस कतई नहीं होना है। जो आपके माइंड पर प्रेशर है उसको आप नहीं रखिएगा, आप प्रेशर में बिल्कुल नहीं आइएगा, अच्छे से पेपर दीजिए और आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि आपने हमारे साथ मिलकर, हमारी टीम के साथ मिलकर बहुत मेहनत की है। तो उस मेहनत का रिजल्ट, रिजल्ट का टाइम आ गया, तो उस मेहनत को दोस्तों रिजल्ट में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करिए। हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से, एसडी कैंपस की पूरी टीम की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। आपका पेपर अच्छा हो, और आपका डेफिनेटली पेपर अच्छा होगा। अब आपको स्टैटिक जीके और हिंदी की स्ट्रेटजी सोनाली मैम बताएंगे आपको, और अच्छे से आप सोनाली मैम के शब्दों को सुनिए। धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों। तो जैसा कि सर ने आपको बताया कि अगर सर आपकी जगह पे एग्ज़ाम दे रहे होते तो उनकी स्ट्रेटजी यही होती कि वो सबसे पहले हिंदी और जीएस के सेक्शन को कवर करते, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें कि आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन आता है तो। इसके साथ ही रीजनिंग और मैथ्स, कुछ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी आ जाते हैं, लेकिन जिसमें भी आपको डाउट हो उनको आपको सेकेंड टर्म के लिए छोड़ देना है कि जब आप दोबारा पेपर को देखेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन के पीछे नहीं रहना है, नहीं तो आपका अगला सेक्शन छूट जाएगा। तो ध्यान रखना है सभी बातों को, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपने पेपर को अच्छे से करना है। जो क्वेश्चन आपके लिए कठिन है वो क्वेश्चन आगे वाले दूसरे बच्चे के लिए भी कठिन है, तो ध्यान रखना है। पेपर आपको जरूर पेपर निकालना है, और 2023 एक नौकरी का वर्ष होना चाहिए, जिसमें हमारा भी लक्ष्य यही है कि 2023 में आप अपनी नौकरी जरूर पा सकें। तो ऑल द वेरी बेस्ट एसडी कैंपस की पूरी टीम की तरफ से, थैंक यू। देखिए मैं अब आपको, आपने सुन लिया होगा मैम ने बताया
कृष्णा सर ने बताया, सचिन सर ने बताया, लेकिन अब मैं वीडियो को समाप्त करने से पहले दो शब्द और बोलना चाहूँगा आपसे। सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम, आप सभी को पता है 14 फरवरी तक एग्ज़ाम चलने वाला है, तो हम हूबहू क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे आप लोगों के लिए, और हम रेगुलर एनालिसिस कराएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम पेपर वाले क्वेश्चन मेरे भाई, समझे नहीं समझे, तो आप सभी को जुड़े रहना है। जबरदस्त तरीके से हम पेपर का लाइव एनालिसिस कराने वाले हैं, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि सर हमारा पेपर शुरुआत में है तो हमारा डिफिकल्ट आएगा या लास्ट में, किसी को टेंशन नहीं लेनी है, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, सबको बराबर कर दिया जाएगा, ठीक है। समझे नहीं समझे तो बिल्कुल अच्छे से मेहनत करनी है, आपने करी है, और जिसका एग्जाम अभी लेट है तो वो अच्छे से मेहनत करते रहेंगे, हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारा एक ही मिशन है, अब होगा सबके सपना साकार, एचडी कैंपस ने ठाना है सबका सपना साकार कराना है। जय हिंद जय भारत, कमेंट जरूर करें, धन्यवाद।